हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। अब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इंटरैक्टिव मोड क्या होता है और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। जैसे कि मैं आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूं, जब हम पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होती है कि हम प्रोग्राम इंटरैक्टिव मोड में लिख सकते हैं या फिर स्क्रिप्ट मोड में लिख सकते हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर आपको सही से समझ में आएगा इंटरैक्टिव मोड क्या होता है एंड स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, क्योंकि मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करा तो ये आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप इसको पहले डाउनलोड कर लो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यूएशन में चलना। स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इंटरैक्टिव मोड में आपको समझाऊंगा इंटरैक्टिव मोड क्या होता है। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करता हूं। जैसे कि मैंने इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है, तो सबसे पहले मैंने विंडो की दबाया और यहां पर मैं टाइप करूंगा IDLE। ये मैंने लिखा IDLE और ये आ गया इसके अंदर ऑप्शन और इसको मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब यहां पर मैं प्रोग्राम लिखता हूं, मैंने लिखा प्रिंट इंडिया। ठीक है, जैसे मैंने लिखा प्रिंट इंडिया और एंटर कर दिया, साथ के साथ यहां पर आंसर आ गया। और नेक्स्ट लाइन में मैं चाहता हूं कि आई प्रिंट गैप्स क्लासेस, तो मैंने लिखा गैप्स क्लासेस। ध्यान देना दोस्तों, इसमें जब मैंने लिखा था प्रिंट इंडिया तो उसने साथ के साथ इंडिया आंसर दे दिया, फिर नेक्स्ट जब मैंने लिखा प्रिंट गैप्स क्लासेस तो उसने उसी के साथ नेक्स्ट लाइन में आंसर दे दिया। ये हमारा चल रहा है इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड में जैसे ही हम कोड लिखेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट आएगा। अब हम देखते हैं स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड कहता है कि पहले आप पूरा प्रोग्राम लिख लो और फिर उसके बाद उसको एक साथ रन करना। तो देखते हैं स्क्रिप्ट मोड में क्या करेंगे। ये मेरा आइडियली ओपन है, यहां पर मैं जाऊंगा फाइल के अंदर। ध्यान देना यहां पर मैंने कहां पर क्लिक करा, फाइल के अंदर, और यहां पर मैंने क्लिक कर दिया न्यू फाइल। जैसे मैंने न्यू फाइल क्लिक करा तो ये एक अलग से एक विंडो आ गई। अब यहां पर मैं लिखूंगा प्रोग्राम, जैसे कि प्रिंट करना था पहले इंडिया तो ये लिख दिया मैंने इंडिया। ठीक है, उसके बाद मेरे को प्रिंट करना था गैप्स क्लासेस तो मैंने लिख दिया गैप्स क्लासेस। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर आउटपुट अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम स्क्रिप्ट मोड में लिख रहे हैं। स्क्रिप्ट मोड कहता है पहले पूरा का पूरा कोड लिख दो, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर मिलेगा। इंटरैक्टिव मोड कहता है कि जिस लाइन, जो भी आप लाइन लिखोगे साथ के साथ आउटपुट आता जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इस प्रोग्राम को जो मैंने लिखा इसको पहले मैं सेव करूंगा, तो ये मैं गया फाइल में। ठीक है, फाइल में गया, उसके बाद सेव। यहां पर आपने फोल्डर चूज करना है, डायरेक्टरी चूज करनी है जहां पर आपको सेव करना है। आप कहीं पर भी कर सकते हो, सी ड्राइव, डी ड्राइव, वो आपकी मर्जी है। तो जो मेरा पाथ बाय डिफॉल्ट आ रहा है मैं उसमें ही कर रहा हूं। यहां पर मैंने नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम वन, नहीं गैप्स वन दे देता हूं। यहां पर मैंने नाम दे दिया गैप्स वन डॉट पी वाई। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम फाइल का नाम देंगे तो उसके बाद हमें एक्सटेंशन लगानी है डॉट पी वाई। डॉट पी वाई इंडिकेट करता है पाइथन की फाइल है, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये यहां पे कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, रिप्लेस करना मैं कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले एक प्रोग्राम बना रखा है। अगर आपने नहीं बनाया होगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगी, डायरेक्टली सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेव प्रोग्राम। अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है। ध्यान देना, फोर्थ मेन्यू, सबसे पहली मेन्यू कौन सी है हमारी, फाइल। उसके बाद है हमारा सेकेंड मेन्यू इज एडिट, फिर फॉर्मेट, एंड द थर्ड वन इज, एंड द फोर्थ वन इज रन। रन पे हम जाएंगे, इसमें थर्ड ऑप्शन है रन मॉड्यूल, या फिर आप F5 भी प्रेस कर सकते हो, तो मैंने इसको क्लिक करा। अब यहां ध्यान दो, आंसर क्या आ गया, इंडिया गैप्स क्लासेस। पहले वाला जो मैंने इंटरैक्टिव में करा था, इंटरैक्टिव भी दिख रहा है उसमें, जैसे मैंने लिखा था प्रिंट इंडिया तो साथ के साथ इंडिया, फिर मैंने लिखा प्रिंट गैप्स क्लासेस तो उसके साथ ही गैप्स क्लासेस आया। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट मोड में लिखा तो पहले पूरा कोड लिखा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट होगा वो एक साथ दिखाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा कि इंटरैक्टिव मोड क्या होता है एंड स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा काम स्क्रिप्ट मोड में करो। उसका रीजन ये है कि आप चाहते हो चार लाइंस में कुछ प्रिंट करना, लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट प्रिंट लाइन लिखोगे तो वो साथ के साथ आउटपुट दे देगा। इसलिए आप काम किस में करो, स्क्रिप्ट मोड में करो।
ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे इंटरैक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड क्या होता है। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और साथ ही साथ मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप कुछ डोनेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी है जो डोनेशन के बेसिस पे चलती है। जितना ज्यादा हमारे पास डोनेशन आएगा उतना ही हम अपने काम को और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करते जाएंगे। तो आई दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।